इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, इसे कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद आता है जेजुनम, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा इस ओवरऑल को एक ना लेयर ने कवर किया होता है, पेरिटोनियल लेयर, उसे कहते हैं मेसेंट्री। अच्छा उसके बाद आता है जेजुनम। जेजुनम क्या होता है जी, ये तो एक क्वाइल शेप स्ट्रक्चर, ये वाली आप ये फोल्डिंग जो आपको नजर आई ये जेजुनम। जेजुनम के बाद आती है एक स्टेट पोर्शन छोटी सी होती है, इसे कहते हैं इलियम, ये आपको नजर आ रही होगी इलियम। अच्छा उसके बाद आता है हम लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ये जो पार्ट है पाउच शेप है, इसे कहते हैं सीकम। सीकम के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, बॉडी, अपेक्स एंड बेस, वो पता चल जाएगा, वो अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा उसके बाद ये आ गया कोलोन। कोलोन के आते हैं तीन पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। जो उभार ऊपर की तरफ आ रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं, वो कहेंगे असेंडिंग कोलोन। जो अंदर की तरफ जा रहे हैं उसे कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन, और जो दरमियान में है उन्हें कहेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। अच्छा उसके बाद ये हमारे पास आ गई है रेक्टम। रेक्टम, रेक्टम का कोई पार्ट है ये एनस में खुले। ओके क्या कहना है,